स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम लोग रिमझिम से कर रहे थे पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो चलिए करते हैं इस पाठ का। पहला प्रश्न है, क भीखु भाई, भीखु भाई का स्वभाव कैसा था? ठीक है, तो भीखु भाई कंजूस स्वभाव के थे, इसलिए लिखेंगे उत्तर कंजूस। नेक्स्ट है, प्रश्न है, भीखु भाई की पत्नी का नाम क्या था? भीखु भाई की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर होगा लाभू बेन। नेक्स्ट ग प्रश्न है, भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? भाई का मन क्या खाने का हुआ? उत्तर होगा नारियल। इसके बाद घ प्रश्न है, नारियल लेने सबसे पहले भीखु भाई कहाँ गए? नारियल लेने सबसे पहले भीखु भाई कहाँ गए? ठीक है, नारियल लेने सबसे पहले भीखु भाई कहाँ गए? उत्तर लिखेंगे, नारियल लेने सबसे पहले भीखू भाई कहाँ गए थे? बाजार। बाजार, ठीक है। चलिए उसके बाद अंग प्रश्न, ठीक है, अंग प्रश्न है, नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल का क्या दाम बताया? नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल का क्या दाम बताया? ये प्रश्न नहीं करते, ये बाद में करेंगे। अंत में भीखु भाई ने नारियल का
नारियल कितने का खरीदा? नारियल कितने का खरीदा? ठीक है, अंत में भीखू भाई ने नारियल कितने का खरीदा? ठीक है, तो अंत में भीखू भाई ने नारियल तो खरीदा नहीं, तो लिख देते हैं मुफ्त में, मुफ्त। ठीक है, कितने का? तो मुफ्त में। चलिए और एक करते हैं। भीखू भाई का सिर डैश गया। तो डैश में एक शब्द भरना है जिससे वाक्य सही वाक्य हो जाए। भीखू भाई का सिर क्या हो गया? चकरा गया। ठीक है, चकरा गया पाठ के अनुसार। ठीक है, तो यह आपके पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त के प्रश्नों के उत्तर है। आप लोग सभी इसे लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।